सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए। इतना बड़ा इस भूमि को उसे हमारी मस्तक में कायर बना, तुम्हारी आवाज के गति समय क्यों लाई? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। हेलो, मैं सादिया अनवर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं किस्मत की, वो किस्मत जिसने हिंदी सिनेमा में पहला ब्लॉकबस्टर फिल्म का खिताब जीता था। 1943 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म किस्मत खुशी और गम के इर्द गिर्द घूमते किरदारों की दास्तान है। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन में बनने वाली इस पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म के मुख्य किरदार शेखर और रानी का रोल निभाने वाले और कोई नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अशोक कुमार और 1940 दशक की महान अदाकारा मुमताज शांति ने निभाया है। असल जिंदगी में किस्मत उतार चढ़ाव की डोर होती है, इसी तरह इस फिल्म में शेखर यानी अशोक कुमार और रानी यानी मुमताज शांति की बिगड़ी बनती किस्मत की कहानी है। इस फिल्म का सबसे प्रसिद्ध गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, जिसने तब ब्रिटिश हुकूमत को खुले आम तंज मारा था। फिल्म के इस रोंटे खड़े करने वाले गीत के गीतकार कवि प्रदीप थे, संगीतकार अनिल विश्वास और गायक खान मस्ताना और अमीर बाई कर्नाटकी थी। वैसे तो चोरों से सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि चोरी में अंधा इंसान खून करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन इस फिल्म में चोरी को एक अलग रुख दिया गया है। फिल्म में अशोक कुमार चोर के किरदार में भी दया, मोहब्बत, करुणा और मित्रता की मिसाल कायम करते नजर आते हैं, जो कि एक बेहतरीन कलाकार की खूबी समझ आती है। फिल्म के शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि शेखर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद फिर से अपराध की राह पर चल पड़ता है और तभी एक बुजुर्ग की खोई हुई घड़ी उसके हाथ, पता चलने पर कि ये चोरी हुई घड़ी किसी बुजुर्ग के लिए अति कीमती है तो वह उसे लौटा देता है। यह बुजुर्ग एक दुर्भाग्य पिता होता है जो अपनी बेटी रानी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परेशान होता नजर आता है। दरअसल मुमताज शांति यानी रानी का कार्यक्रम उसी थिएटर में होता है जहां उसके बदकिस्मत बाप की पहले हुकूमत हुआ करती थी, जहां अब इंद्रजीत बाबू का किरदार निभा रहे मुबारक का हुक्म है। फिल्म में इश्क मोहब्बत ना हो तो वो ब्लॉकबस्टर कैसे? इस फिल्म में बेमिसाल मोहब्बत की भी झलक है। आपको बताएं, जब शेखर अपनी चोरी किए हुए मोती के हार की खोज में रानी के घर पहुंचता है तब उसका दिल वहीं खो जाता है। वहीं रानी तो शेखर की नेक दिली से पहले ही लाजवाब हो चुकी होती है, लेकिन अभी उसे इस नेक इंसान के छुपे चेहरे का नहीं पता होता, यानी अभी उसकी एक सज्जन व्यक्ति से मुलाकात होती है, ना कि एक चोर से। लेकिन इस फिल्म के इस चोर की भी एक अलग अदा नजर आती है। जब शेखर रानी को अपना दिल दे बैठता है तब वह चोरी की बुरी नीयत को छोड़ने और अपनी रानी के सुख दुख का साथी बनने का संकल्प लेता है। जानते हैं ना, जब दो पंछी मोहब्बत की उड़ान भरते हैं तभी कुछ न कुछ अनहोनी दस्तक देती है। इस बीच रानी को शेखर के चोर होने का मालूम होता है, तभी दुख के साए में डूबी रानी के मुख से कवि प्रदीप का गीत किस्मत एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए पर बस फूट पड़ता है। यहाँ से शुरू होती है किस्मत से जूझे किरदारों की परीक्षा। शेखर अब अपनी रानी के लकवाग्रस्त पांव को ठीक कराने के लिए एक बार फिर इंद्रजीत बाबू के घर चोरी को अंजाम देता है और ऐसे रानी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। रानी के स्वस्थ होने की खबर सुनते ही इंद्रजीत उसके पास एक थिएटर शो करने का प्रस्ताव रखते हैं और कुछ शर्तों के साथ अदाकारा इस प्रस्ताव को कबूल फरमाती है और अब बजेगी क्लाइमेक्स की घंटी। रानी के इस कार्यक्रम में किस्मत फिल्म का हर किरदार किसी न किसी को ढूंढ रहा होता है, जैसे पुलिस चोर को, रानी अपने राजा को, एक बाप अपने बेटे को। समझ पाए आप? यानी सीन में इंस्पेक्टर शहनवाज शेखर की फिराक में होते हैं, रानी भी अपनी प्रेमी शेखर को याद करते हुए कवि प्रदीप के एक मार्मिक गीत सब घर दिवाली मेरे घर अंधेरा सुनाती हैं। वहीं इंद्रजीत हर महफिल में अपने खोए हुए बेटे मदन के वापस लौटने की आस तो हमेशा ही करते नजर आते हैं। कार्यक्रम में दूसरे भेष में मौजूद शेखर रानी की आंखों में आंसू देख नहीं पाता और एकाएक अपना असली चेहरा अपनी प्रेमिका को दिखा देता है। ये हुई ना सच्ची मोहब्बत। पुलिस जब शेखर का पता जान लेती है तब उसकी तलाशी करती है। इस तलाशी के दौरान एक लॉकेट बरामद होता है। इस लॉकेट की कीमत आपको बताऊं तो इस लॉकेट से एक दुर्भाग्य बाप अपने खोए हुए बेटे को वापस पा लेता है। जी हाँ, इंद्रजीत बाबू का मदन कोई और नहीं बल्कि शेखर बाबू होते हैं।
हुई ना लाजवाब किस्मत, इस तरह आप भी अपनी किस्मत से निराश ना हो। किस्मत तो बदलते वक्त ही पुड़िया है, फिल्म की तरह अंत में सब कुछ बेहतर ही होना है। जाते जाते फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से भी आपको मुखातिब कराती जाऊं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रिलीज हुई फिल्म किस्मत लंबे अरसे तक थिएटरों की जान बनी रही। वहीं फिल्म में रानी देवी का संघर्ष भरा सफर उस दौर की महिलाओं के साथ साथ कहीं न कहीं इस दौर की महिलाओं को भी बिगड़ी बनती जिंदगी का डट कर सामना करने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस तरह से लगाएं कि लगभग 5 लाख की लागत से बनने वाली इस फिल्म ने तकरीबन 50 लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया था। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म आज भी सुनहरे पर्दे की शान है। देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं सादिया अनवर लौटूंगी एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।